गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ पोलैंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि नियोजन विकास की भूमिका क्या है। नियोजन विकास की भूमिका किसी पिछड़े राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए नियोजन को बहुत उपयोगी साधन माना जाता है। रूस अत्यंत पिछड़ा देश था, लेकिन वहां स्टालिन द्वारा चालू की गई नियोजन व्यवस्था ने अपनी चमत्कारी परिणाम दिखाया। 1927 में पहली, 1932 में दूसरी तथा 1937 में तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, जिनकी सफलता ने दूसरी महायुद्ध में सोवियत संघ को विजयी बनाकर महाशक्ति बना दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इस सफलता की प्रशंसा की। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नियोजन कमेटी बनाई तथा जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया। मार्च 1950 में प्रधानमंत्री नेहरू के प्रस्ताव को संसद ने पास किया, जिसके अंतर्गत भारत के योजना आयोग की स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को प्राप्त है, लेकिन उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ सदस्यगण होते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यों की नियोजन कार्य के समृद्ध करने हेतु 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, जिसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नियोजन क्या है या नियोजन का क्या अर्थ है। नियोजन विकास का तात्पर्य अपनी विकास की प्राथमिकताओं का विकास कर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना, साथ ही विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सके। स्वतंत्रता के बाद विकास की गति भारत में काफ़ी धीमी थी। ढांचागत सुविधाओं, पूंजी तथा तकनीकी सुविधाओं का अभाव था। दूसरी तरफ जनसंख्याओं या आकांक्षाएँ लगातार बढ़ रही थी, अतः भारत में तीव्र और व्यवस्थित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया। नियोजन विकास की राजनीति वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है। नियोजन की परिभाषा। नियोजन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया है, जैसे मॉडर्न एवं फिलिपों के अनुसार लक्ष्य तथा इनकी प्राप्ति के लिए कार्यपथ के निर्धारण की प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट परिभाषा एम ई हले के अनुसार क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों एवं कार्यक्रमों में से चयन करना निहित है। नेक्स्ट परिभाषा कुटेज एम ओ डोनेल के अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्यविधि का सचित्र निर्धारण है। निर्माणों को उद्देश्यों तथा पूर्व विचरित अनुभवों पर आधारित करना। नेक्स्ट भारत में नियोजन व उसके प्रतिमान। नियोजन के माध्यम से देश का विकास किया जाए, इसी उद्देश्य से 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इसने सिफारिश की कि सभी उद्योगों व सेवाओं जैसे रेलवे, जलमार्ग, जहाजरानी, खनिज संसाधनों तथा लोक उपयोगिता की सेवाओं पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना चाहिए। 1944 में मुंबई के 8
बड़े उद्योगपतियों ने अपनी योजना बनाई। श्रीमान नारायण ने गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया, लेकिन ये सभी कागजी प्रयास बनकर रह गए थे। संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य यथासंभव प्रभावी रूप से ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रेरित करेगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सूत्र रखे गए हैं, जैसे राज्य सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा, राष्ट्रीय संपदा को रोकेगा, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, समाज के दुर्बल पिछड़े वर्गों का कल्याण करेगा, काम की मानवीय दशाएं स्थापित करेगा, कृषि का आधुनिकीकरण करेगा, देश में गरीबी, बेगारी, भूखमरी, अज्ञानता जैसे दोषों को दूर करेगा, साधारण लोगों को नियोजन का लाभ प्राप्त करेगा इत्यादि। इन सभी के लिए 1950 में योजना आयोग बना। ये योजना आयोग निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने हेतु उत्पादन को बढ़ावा। दूसरा, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना। तीसरा, आय व संपदा की असमानता कम करना। चौथा, समानता व न्याय पर आधारित तथा शोषण से मुक्त समाजवादी समाज स्थापित करना। अब प्रधानमंत्री नेहरू का नेतृत्व था जिन्होंने औद्योगिकीकरण पर सारा जोर दिया। पीसी महलनोबिस उनके मुख्य सलाहकार थे जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया, इसलिए इसे नेहरू महानोबिस प्रतिमान कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है। थैंक यू।